आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में द्वादश ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है, बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के हजार नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई, बहुत सारी राजनीतिक वजह है। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया है।